क्या आपको डैंड्रफ की समस्या है, क्या आपके बाल झड़ते हैं और आपको बहुत इश्यूज़ होते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में ये सब कॉमन बातें हैं, बट मेरे पास इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप कर सकते हो और आप आपके बाल अच्छे से मेंटेन कर सकते। सो बने रहिए इस पूरे वीडियो में, आपको दूंगा मैं पूरी डिटेलिंग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। सो थंबनेल देख के ही आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो बालों का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जो किया है, 4 महीने पहले मैंने बाल कैसे किए थे और अभी 4 महीने बाद कैसे हुआ है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि मुझे डैंड्रफ की समस्या हो रही थी, तो मैंने मेरे पूरे बाल मुंडवा दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि डैंड्रफ भी चला गया। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा शैम्पूइंग की, आपको शैम्पू कैसे करना चाहिए। सो जैसे कि आप बाल जब पूरे मुंडवा देते हो, अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको बाल मुंडवानी होगी, हेयर फॉल हो या डैंड्रफ। सो शैम्पू कैसे यूज़ करो, आपको यूज़ करना है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो आपके बालों पे मतलब आप जो जब मुंडवा दोगे तो आपकी जो हेड का जो स्कैल्प है उसके ऊपर हार्श रहेगा थोड़ा सा और पूरा डैंड्रफ सफा कर देगा। वही बेस्ट टाइम है जब आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको और डरेगा कि बाल मुंडवाना, पर दोस्तों आपको परमानेंट लाइफ टाइम उसका अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप मुंडवा दीजिए। सो उससे क्या होगा, आपके पूरे सर के जो डैंड्रफ वगैरह है वो क्लीन हो जाएंगे, डैंड्रफ जो है वो पैचेस में रहता है वो पैचेस पूरे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। साथ ही में आपको क्या करना है, जब आपके बाल धीरे धीरे ग्रो हो तो उसके बाद आपको ये करना है कि तब एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना बंद कर देना है। आपको यूज़ करना है कोई भी माइल्ड शैम्पू। माइल्ड शैम्पू अगर आपको चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो माइल्ड शैम्पूज, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से कोई भी आप शैम्पू यूज़ कर सकते हो। पर जब आप पूरे बाल जो है पूरे मुंडवा दो, उसके बाद आपको यूज़ करना है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। हेयर फॉल का अगर रीज़न होगा तो भी आप यूज़ करिए, और अगर हेयर फॉल का नहीं भी और डैंड्रफ का होगा तो भी यूज़ करिए, आपका पूरा स्कैल्प जो है अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और शैम्पू कैसे करना है, आपको थोड़ी सी अमाउंट में शैम्पू लेना है और उसको रगड़ना नहीं है, आराम से जेंटली मसाज करना है। और जो बाल पोंछने भी है तो आपको कैसे पोंछने हैं, आपको आपकी स्कैल्प कैसे पोंछनी है, ऐसे, ये घसना नहीं, ऐसे पोंछना है, ऐसे धीरे धीरे पोंछ के रख दीजिए। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया रहेगा कि ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो है। सो इसमें आपको ऑयलिंग की बहुत प्रॉपरली आपको करनी पड़ेगी। बात करते हैं ऑयलिंग की। सो जब मैं बात करता हूँ ऑयलिंग की, दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑयल रात के टाइम पे लगाइए। रात के टाइम पे आप लगाओगे तो भर भर के ऑयल लगा देना आपके स्कैल्प पे, और अच्छे से लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं एक रेकमेंड करता हूँ कि आप नारियल तेल लीजिए, पैराशूट का भी नारियल तेल चलेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोल्ड प्रेस नारियल तेल भी आता है, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया तो आप जाके देख सकते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप मस्टर्ड तेल भी यूज़ कर सकते हो, राय का तेल भी यूज़ कर सकते हो। पर राय का तेल कैसे रहता है कि उसका जो सुगंध है वो ज़्यादा मतलब वो फैलता है, और बहुत सारे लोगों को उसका सुगंध पसंद नहीं है। पर्सनली मुझे पसंद है, बट बहुत सारे लोगों को पर्सनली उसका सुगंध पसंद नहीं है। बट आपको अगर आपके बाल बनाने हैं तो आप राय का तेल भी यूज़ कर सकते हो। जब आपके बाल नहीं हो, आप गंजे हो, तब आप पूरी तरह उस राय के तेल को अप्लाई कीजिए, जेंटली अप्लाई कीजिए, जेंटली मसाज कीजिए। क्या होता है, जब राय का तेल और ऐसे नॉर्मल ऑयल जब अपने पोर में जाते हैं तो अपने हेयर पोर्स को नरिशमेंट देते। आप ये भी कोशिश कर रही है कि जो ऑयल है, जब आप सुबह उसको नहाओ तो जब एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करो तो वो ऑयल पूरा साफ़ हो जाए। बिकॉज आप इधर उधर घूमते हो तो ऑयल आपके सिर पे रहना अच्छी बात भी नहीं होता है, बिकॉज उससे क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स ऑयल के वजह से जमा हो जाते हैं और आपके हेयर पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सो अभी बात करते हैं हम लोग छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो हमें ध्यान देना चाहिए। सो नंबर वन टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि जब भी आप गंजे हो जाओ पूरी तरह से, तो आपको क्या करना है कि आपको टोपी नहीं पहननी है, ऐसा ही खुले घूमना है। खुले घूमने से क्या होगा, आपके एयर जो आपके जो हेयर पोर्स है उसको हवा लेने का मौका मिलेगा, और जब हवा मिलती है तो वो बहुत अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाता है और हेयर की ग्रोथ प्रोसेस बहुत अच्छी और फास्ट हो जाती है। बहुत से लोग जब गंजे हो जाते हैं तो शर्मिंदा होकर कैप पहन लेते हैं, वो गलत बात है। कैप आपको पहनना नहीं है, कैप के वजह से अंदर गर्मी बढ़ती रहेगी और उसके वजह से क्या होगा कि हेयर ग्रोथ को वो मैटर करेगा। इसीलिए जब आप गंजे हो जाओ तो खुले ही रहना, और बियर्ड्स भी आप पूरे निकाल दो तो आपको क्या करना है, कुछ मास्क वगैरह पहनना नहीं, खुला ही रखना, बस एक अच्छा फेस वॉश ले लेना और धो लेना अच्छे से। टिप नंबर टू, जब भी आप ऑफिस वगैरह जाओ या ऑफिस से निकलो या फिर आप कुछ भी काम वगैरह करने जा रहे हो तो पूरा अच्छे से वॉश कर लेना। मीन्स आप इधर से घर से ऑफिस निकल रहे हो तो ऑफिस पहुंच के पूरा अच्छे से एक बार वॉश कर लेना, या फिर एक गीले या फिर वेट वाइप्स आता है, वेट वाइप्स यानी कि वेट टिश्यूज आता है, उससे पूरा पहुँच लेना। क्या होता है, डर्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं जिसके वजह से आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होगी। टिप नंबर थ्री,
टिप नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको शर्मिंदा नहीं होना है कि आप गंजे हो रहे हो। गंजे आप खुद के लिए हो रहे हो और परमानेंट इलाज के लिए हो रहे हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने की बात है, आपके हेयर फिर से वापस आ जाएगा, हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो नए हेयर आएंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गंजा होने का फ़ायदा क्या है। आप यही सोच रहे हो कि ये गंजा होने क्यों फोकस कर रहे हैं, जो पुराने बाल है वो निकल जाएंगे जिनमें ऑलरेडी इन्फेक्शन या फिर डैंड्रफ के जड़ जो है वो फैल चुकी रहेगी, और जिनको हेयर फॉल हो रहा रहेगा, जिनके बाल पतले होते रहेंगे तो पतले बाल भी निकल जाएंगे। क्या रहता है, जब यहाँ के बाल पतले रहते हैं तो रूट भी पतले बाल ही प्रोड्यूस करता है, जब आप पूरा निकाल देते हो तो अंदर का हेयर रूट है वो मोटा बाल बनाना चालू कर देता है। इसीलिए मैं गंजा होने पे फोकस कर रहा हूँ, और फिर आप रिजल्ट्स तो देख सकते हो कितने अच्छे आ गए हैं 4 महीनों में। पर 4 महीने की बात है और आपको आपके मन चाहे बाल और मन चाहे बियर्ड्स मिल जाएगी। सो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। RW रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना, और हमें पहुंचाना है आपको 20K सब्सक्राइबर तक। दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। इस रोहन वाक्चौरे साइनिंग ऑफ। कुछ भी डाउट्स हो गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय, और इंस्टाग्राम की लिंक ये वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, तो उधर जाके आप मुझे फॉलो